सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। त्रिकोणीय सीरीज का फाइनल मुकाबला आज शाम 7 बजे से खेला जाएगा। बांग्लादेश ने श्रीलंका को रोमांचक मैच में हराते हुए फाइनल में जगह बना ली है और इसी वजह से भारत और बांग्लादेश के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। माना जा रहा है कि फाइनल मैच में हमें कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सुरेश रैना ने पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था, पर क्रिकेट में कभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। हमने पहले भी कुछ ऐसे फैसले देखे हैं जिससे हम काफी मायूस हुए हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि खिलाड़ियों को आराम दे दिया गया है, तो क्या सुरेश रैना को भी फाइनल मुकाबले में आराम दिया जाएगा और उनकी जगह पर किसी और खिलाड़ी को मौका दिया जाएगा? यह सवाल सबके मन में है। फाइनल मुकाबले में भारत की संभावित टीम रोहित शर्मा, शिखर धवन, लोकेश राहुल, सुरेश रैना, मनीष पांडे, दिनेश कार्तिक, वाशिंगटन सुंदर, जय देव उनादकट, विजय शंकर, युजवेंद्र चहल, शार्दुल ठाकुर, आपकी क्या राय है? सुरेश रैना को फाइनल मैच में मौका देना चाहिए या नहीं? इस बारे में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।